गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सागर, फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बढ़िया से वीडियो में। वीडियो लेट आया लेकिन बहुत मस्त वीडियो आने वाले हैं और ये वीडियो भी अच्छा है। और मैं जा रहा हूं अभी भोपाल से दिल्ली। कहां जा रहे हैं घूमने आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी फिलहाल हूँ मैं घर पर और फाइनली काफ़ी दिन बाद अचानक से ट्रिप बन गया और हम जा रहे हैं और बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, बर्फ की वादियों में जा रहे हैं। तो उससे जल्दी से चलते हैं। एडी भाई हमें छोड़ेंगे स्टेशन पर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 8 बजे की ट्रेन है, 6 यहीं पर ही बज गए। कुछ खाएंगे फिर यहाँ से निकलते हैं मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर। देखो भाई, हम बाहर जाएं या भाई बाहर जाएं, सही बात है, जिस दिन जाते हैं उस दिन जरूर मिलते हैं। या हम इन्हें छोड़ें या ये हमें छोड़े, तो आज हमें ये छोड़ने जा रहे हैं। और ये लेकिन हम आपको वहां तक छोड़ने जा रहे हैं, आप हमें वहीं छोड़ देते हो, चाय पिला के भगा देते हो आप। ये अपने बसुगा से जाते हैं ना, सही बात है, और हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं, सही बात है, सरकारी सामान से। तो आप चलाओगे गाड़ी? हम चलाएंगे, आराम से बैठेंगे, ड्राइवर है अपना। अच्छा, ड्राइवर रख के रखा, ड्राइवर है। तो भाई ध्यान रखना है ना आपका। एसी है कि क्या है? नॉन एसी है? एसी 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 है, एसी। हाथ बाहर मत निकालना खिड़की से, और पंखा मत चलाना। पंखा बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, बिल्कुल नहीं। और कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना इन चीजों का, बहुत जरूरी है भाई। भाई हम जा रहे हैं, हाँ। मौसम देखो कितना प्यारा करा दिया। शाहपुरा लेक पे पहुंचे एकदम अप्रैल की भरी गर्मी में, ऐसा ठंडा वाला फीलिंग आ रही है। जुलाई वाली नहीं तो अक्टूबर नवंबर वाली ठंड उसमें पड़ती है ना। नहीं लेकिन बारिश तो जुलाई में होती है ना। हाँ जुलाई। अरे यार देखो, मौसम चेंज के साथ स्वभाव भी चेंज हो गया हमारा। हमने करा लिए गर्मा गर्म मंगोड़े पैक भाई, चाय के साथ मंगोड़े। चाय तो हमने वहाँ पी ली। आप खाएंगे मंगोड़े, बारिश हो रही, बारिश में आप लोग को पता है मंगोड़े खाने का एक अलग ही मजा है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर और ट्रेन भी लग चुकी है, लेकिन ट्रेन अपने समय से पहले आ चुकी है तो हम जल्दी आ चुके हैं। तो अभी टाइम है हमारे पास, तो भाई को कर्रा वाला बिल्कुल जल्दी मिलते हैं भाई, अच्छे दर्शन दे आपको, एक नंबर मजा आ जाएगा। भाई हम लोग जब गए थे तो मैं तो बाइक से गया था उस टाइम, भाई ट्रेन से जा रहे, लेकिन भाई हम लोगों के साथ ये था कि हम लोगों को बारिश जरूर मिली लेकिन स्नोफॉल नहीं मिला। और एक बार भाई को स्नोफॉल मिलेगा, स्नोफॉल मिलेगा, यहाँ से बारिश मिली तो वहाँ स्नोफॉल मिलेगा, मिलेगा। महादेव मस्त वाली ट्रिप बनाने वाले हैं, तो चैनल पे रहो और मजा आएगा आप लोगों को बहुत इस ट्रिप पे। और हाँ भाई एक चीज और है कि अच्छे क्रिएटर्स बहुत कम हो गए जो एक्चुअली ऑथेंटिक कॉन्टेंट दिखा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल ऑथेंटिक कॉन्टेंट दिखाता है जो आप फैमिली के साथ देख सकते हो, ना गाली गलौज, ना लड़ाई झगड़ा, ना कुछ, बिल्कुल क्रीम कंटेंट। तो भाई प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, अभी भाई को बहुत जरूरत है, मुझे भी सपोर्ट करो। ऐसे ही अच्छे क्रिएटर्स को प्रमोट करोगे तो आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे, मजेदार मजेदार। चले भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे आप जाना आराम से, ट्रेन में चलाना भाई, कि तेरा भाई ट्रेन चलाएगा। मैंने ड्राइवर लेके रखा है। अच्छा ड्राइवर लेके रखा, फिर तो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, बीच में पता चला उससे बोला चल तू बैठ साइड में, मैं चला रहा हूँ। क्या भोपाल ही लोगे भाई? नहीं नहीं, उससे बोल दिया कि बेटा एक काम करो चाय तो ले लो आप। हाँ ऐसा नहीं बोलना भाई ड्राइवर से, अपन तो टेंस हो जाएंगे, गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। फिर उसको ड्राइवर नहीं बोलना, पायलट बोलते हैं लोग, पायलट ड्राइवर नहीं बोलते हैं लोगों को, है ना। और टीसी को कंडक्टर मत बोलना कि कंडक्टर टिकट तो देख ले भैया, अपन तो सो जाएंगे, सो जाना, है ना। कंडक्टर आएगा मतलब टीसी आएगा तो उसको टिकट चेक करा, ठीक है। ये है एसी के हाल, ये देख लो, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी धक्के मारने पड़ रहे हैं। निकल जाओ भैया, निकल जाओ, निकल जाओ। अपनी सीट तो ये है और भैया की सीट ये है, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो आराम से आ जाया करो यार भैया, यार आराम से कल तो ट्रेन चलने के बाद आया करो, सीट बैठे आ जाओ। तुम तो रुकी ट्रेन में आ जाते हो यार, चलती ट्रेन में आया तो एसी में आराम से। फाइनली हम तो ट्रेन में बैठ चुके हैं और लेकिन एसी की हालत तो ऐसी हो रही है जैसे जर्नल में बैठ गए। इतना सारा पैसा देने से क्या मतलब, देख रहे हो हालत क्या खराब हो चुकी है। कोई बात नहीं, ट्रेन चलेगी सब मैनेज हो जाएगा, जिसकी जो टिकट है वहाँ वहाँ वो व्यक्ति यहाँ बैठे आ रहे। और भैया को देख लो एसी में होने के बाद कहाँ समोसे खा रहे हैं। थोड़ी देर में भोपाल स्टेशन से ट्रेन चलने वाली है और हम जाने वाले हैं दिल्ली। उससे पहले हम ग्वालियर रुके हैं, ग्वालियर से एक व्यक्ति और चढ़ने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मज़े करते रहो और चैनल पर बने रहो।
वहाँ गए फाइनली भाई न्यू दिल्ली। इधर से जाएंगे अपन कहाँ, ऋषिकेश या हरिद्वार, कहाँ जाना चाहेंगे आप? अरे यार ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा है यार, हरिद्वार। तो भाई यहाँ से हम जाएंगे हरिद्वार, एक चोट हुई है हमारे साथ, वो आपको थोड़ा फ्री होके बताते हैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद। हम बैठ गए दिल्ली के टुक टुक में और जा रहे हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड, वहाँ से जाएंगे हम ऋषिकेश। ये देख लो दिल्ली का ट्रैफिक, वहाँ से जो चालू हुआ है यहाँ तक। ओहो क्या हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये है दिल्ली का कॉस्मेटिक बाजार, हमारे साथ हुआ है क्या है ना कि दिल्ली भोपाल से दिल्ली जिस ट्रेन में आए थे वो तो लेट हो गई थी, उसके चक्कर में शताब्दी जो दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली थी वो हो गई कैंसिल, क्योंकि हम टाइमिंग पे पहुंच नहीं पाए, वो लेट हो गई। 7 बजे की ट्रेन थी वो 7 बजे आई, तो हमें वो टिकट कैंसिल करना पड़ा, इसलिए हम बस से जा रहे हैं। तो बस में जो भी नज़ारा हुआ आप लोग को दिखाते रहेंगे। आ गए जी दिल्ली से निकल कर, पहला स्टॉपेज लिया है और ठंडी ठंडी कोक ले ली, अभी आराम से बैठे हुए हैं। ट्रेन गाड़ी बहुत देर से चल रही थी, बैठे 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 बस में स्पेस ही नहीं था बिल्कुल। अभी बाहर निकल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। पारुल भाई यहाँ सामने बैठे हैं, उनको दिखा देता। तो अभी ये बैठे बैठे होटल देख रहे हैं ऋषिकेश में। आज का सैटरडे पड़ गया और कल संडे है, तो सारी भीड़ ऋषिकेश हरिद्वार की ओर जा रही है, इसलिए होटल बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। अभी तक तो बुक हुआ नहीं है, उधर जाके देखते हैं क्या होता है, लेकिन मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हमारी बस का हॉर्न बज गया है और अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे पहुँचते हैं ऋषिकेश। मौसम काफ़ी बढ़िया है, गर्मी तो लगी नहीं रही बिल्कुल भी। जो देखना चाहते थे हम लोग आ गए पहाड़ों में, झीलों की नगरी भोपाल से देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों में आ गए। बताओ कैसा लग रहा है आपको आकर? फाइनली पहुंच गए ऋषिकेश और हमने ये रूम ले लिया है और ये लॉन्च मिला है हमें सिर्फ 700 रुपये में। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं भोपाल से निकला था और लोगों की काफ़ी ज़्यादा रीले भी देख रहा था, काफ़ी लोगों के वीडियो भी देखे मैंने, तो उसमें देखा 2000 रुपये का रूम, 4000 रुपये का रूम, लोगों को इतना ज़्यादा डरा देते। अब ये तो नहीं पता आगे की स्थिति क्या है, लेकिन ऋषिकेश तक की स्थिति काफ़ी बढ़िया है, तो हमें तो काफ़ी बढ़िया रूम, इससे अच्छा रूम क्या चाहिए रहेगा। भगवान की तरह आया, थोड़ी रईसी घर पर छोड़ कर आ जाया करो, पर ये है सारी सुविधा है, पंखा भी है, ज़्यादा गर्मी है नहीं, अच्छा बेड है, अच्छा रूम है और लेट बाथ भी है। तो यहाँ से हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर हम चलेंगे त्रिवेणी घाट, वहाँ आपको गंगा आरती दिखाते हैं अगर समय पे पहुँच गए, लेकिन जो भी कुछ होगा आप लोग को दिखाते रहेंगे। और चैनल पे बने रहो और अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं उसका एंजॉय ले लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तभी आपने अभी रस देखा, ये है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट का नज़ारा जो भी, लेकिन हम गंगा जी की आरती अटेंड नहीं कर पाए, लेट हो गए, थक गए थे इतने ज़्यादा सफ़र में आए तो टाइम से नहीं पहुंच पाए। तो अभी मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ, अभी रात के 8-9 बज रहे हैं, मैं गंगा जी में स्नान करूँ ना करूँ, क्या बोलते हो पारुल भाई, करना चाहिए क्या? ठीक है हिम्मत जुटाते हैं, करते हैं, टैलेंट है कर लेंगे हम, स्नान तो ज़रूर करना है। तो भाई हमें ऋषिकेश में और हमें भोपाली फुल्की और चाट बहुत पसंद है, और यहाँ पर भी आकर चाट एकदम मज़ेदार अच्छी है। तो भाई त्रिवेणी घाट से हम लोग आ गए, लेकिन गंगा माँ की आरती छूट गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग भी आओ तो शाम को 6 बजे परफेक्ट यहाँ पर आ जाना। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपने शॉर्ट देख ही लिए, पूरा मार्केट त्रिवेणी घाट में जाते समय का है, और वहाँ भी इस समय इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। हमारे भोपाल में तो गर्मी थी लेकिन यहाँ पे मज़ा आ रहा है, बारिश के साथ गर्मी थी उधर, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है ना उधर, उमस हो रही है उमस। अभी हमने चाट खाई, चाट के बारे में बताऊँ, पारुल भाई को तो पसंद नहीं आई, लेकिन क्या होता है ना हर जगह का एक अपना अलग टेस्ट है, तो नमक थोड़ा ज़्यादा था, चटनी में पानी ज़्यादा था, लेकिन तो भी हमने खा ली क्योंकि हम
घूम रहे हैं, इतना ज़्यादा भूख, इतनी ज़्यादा जब भूख लगती है व्यक्ति को तो सब खा जाते हैं। देख सकते हैं रेस्टोरेंट भी है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये त्रिवेणी घाट पे जाने वाले रास्ते पर रेस्टोरेंट बना है। अगर आपका आसपास कहीं पर होटल है, रूम है, लॉन्च है, धर्मशाला, जिसमें भी रुके हो तो आप यहाँ आकर खाना ट्राई कर सकते हैं। हमने तो नहीं खाया, हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो आप भी आके एक बार खाने के बिल्कुल मज़ा ले सकते हैं, आप भूख मिटा सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कहीं घूमने निकलो जाते जाते कुछ अच्छी चीज़ दिख जाए ना, तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें एक बढ़िया सा, क्या बोल सकते हैं, छोटा सा और बढ़िया सा रेस्टोरेंट है जो वो दीदी चला रही है, उधर हमने दो बर्गर ऑर्डर किए हैं, वो अभी नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा है, वो खाएंगे हम होटल पर ले आकर। तो हमने प्लेन चीज़ बर्गर पैक कराए, तो एक बार इधर का सेटअप देख लो, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। वापस से हम आ गए रूम पर, बस तो मिली नहीं, ना ऑनलाइन मिल रही है ना ऑफलाइन मिल रही है, जो भी कुछ होगा सुबह ही देखेंगे सीधे जाके, कैसे क्या, या कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, जैसे भी जाएंगे वो आप लोग को दिखाएंगे, वो मिलेगा आपको अगले ब्लॉग में देखने। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।